हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 99% यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सरलीकरण के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको एक बोडमास रूल के बारे में जानना होता है, ठीक है। बोडमास का नियम क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है BODMAS। इसको पढ़ेंगे पूरा, इस तरह लिखेंगे BODMAS तो हो जाता है बोडमास रूल, ठीक है। तो बी का मतलब क्या होता है, बी से देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार गो कोष्टक होता है। एक इस तरह का होता है रेखी कोष्टक, ठीक है, रेखी कोष्टक। तो सबसे पहले जब आपको इसमें कोष्टक भी दिया रहेगा सवाल में, तो सबसे पहले रेखी कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब ए नहीं रहेगा तो छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक सॉल्व करने के बाद मझले कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक के सॉल्व करने के बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोष्टक नहीं दिया हो तब क्या करेंगे, मान लीजिए ओ से होता है आफ, आफ का मतलब होता है का। जब कोई सवाल में का दिया हो तो का को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर का भी नहीं दिया हो तो भाग को सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व कर देंगे। या चाहे भाग नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाने को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो ठो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दो कोष्टक में एक प्लस दो, फिर कोष्टक में भागे छ, ठीक है। इस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करना है और दूसरे के सवाल को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे के सवाल को बता दूंगा तो आप पहले सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी नियम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है चार, छोटा कोष्टक में बारह माइनस तीन, फिर छोटा कोष्टक, फिर भागे बारह। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बी है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब यहाँ पर है देखिए रेखी कोष्टक, ए वाला, इसी को रेखी कोष्टक कहते हैं। तो इस सवाल में रेखी कोष्टक नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा कोष्टक में कौन है, बारह माइनस तीन, तो लिख लेंगे चार चार। फिर देखिए छोटे कोष्टक में क्या है, बारह माइनस तीन, यानी कि बारह में से तीन को घटाना है। तो बारह में से तीन को घटाएंगे तो कितना बचेगा, नौ। बारह में से तीन घटेगा आपका बचेगा नौ। तो इस तरह लिख लेंगे छोटा कोष्टक में नौ, ठीक है। अब फिर है भाग का चिन्ह, लिख देंगे भाग का चिन्ह। फिर यहाँ पर है बारह, बारह को लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, देखिए छोटा कोष्टक में तो इसको तो आप यहाँ पर चार गुड़ते हैं, ठीक है। चार का यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुड़ा रहता है, तो चार गुड़े रहता है छोटा कोष्टक में नौ। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस भाग को सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए छोटा कोष्टक के बाद का को सॉल्व किया जाता है, का तो इस सवाल में है नहीं, तो क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग को सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे चार, कोष्टक हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुड़ते का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर नौ है और नौ में भाग हो जाएगा बारह का, ठीक है। तो देखिए कितना आंसर आता है, देखिए यहाँ पर नौ है, यहाँ पर बारह है, यहाँ पर चार, चार से काट दीजिए तिरियक, चार एकम चार, चार त्याई बारह, तीन बार में। फिर इस तीन से नौ को काटिए, तीन एकम तीन, तीन तिरके नौ, कितना आया, एक त्याई तीन हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा, एक त्याई तीन, नीचे एक है तो एक का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा तीन, ठीक है। इसी तरह नियम, इसी नियम को लगाकर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।